देहरादून आरटीओ ने शहर में नियम विरुद्ध चलने वाले ई रिक्शा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून के मुख्य मार्गों पर आरटीओ की 5 टीमें और 4 बाइक स्क्वाड को तैनात किया गया है। इस दौरान बिना लाइसेंस, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और बिना टैक्स जमा करने वाले संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ऐसे रिक्शा संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे रिक्शा संचालकों पर कार्रवाई की गई है जो प्रतिबंधित क्षेत्र में ई रिक्शा चला रहे थे। आरटीओ ने करीब 100 ई रिक्शाओं को सीज कर दिया है। संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। आप सही बोल रहे हो, कई जगह से, कई क्वार्टर से, आम पब्लिक से भी हमें सुनने को मिलता है कि ई रिक्शा की संख्या काफी ज्यादा शहर में बढ़ गई है। कई जगह ट्रैफिक जाम लगता उनसे है और कई लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होने की शिकायत हुई है या किराया ज्यादा लेने की शिकायत है। इन सब चीजों को हम लोगों ने, हमारे संज्ञान में पहले आ चुका है, हम लोग अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने अभियान का स्तर बढ़ा दिया है। ज़्यादा टीमें लगाई हैं, 5 टीमें हमारी लगी हुई हैं, 4 बाइक स्क्वाड्स को भी लगाया है। एक जैसे दिखाया तो 9 टीमें लगी हुई है हमारे यहाँ पूरे शहर में। और अभी तक तो जो अभियान चलता रहा है उसको हम लोग और भी बढ़ाने वाले हैं।